तो सुन विक्रम, मेरा सवाल। किसी महल में दो सौतेले भाई रहा करते थे। बड़ा भाई कुंभा, छोटा भाई नरवीरा। राज्य की लालसा में छोटा भाई अपने बड़े भाई से हमेशा बहस करता। रोज महल में सिंहासन को लेकर बहस हुआ करती थी। एक दिन छोटे भाई को सिंहासन सौंप कर बड़ा भाई कुंभा दूर जंगल में हमेशा के लिए चला जाता है और नरवीरा उस राज्य का महाराजा बन जाता है। कुछ महीनों के बाद महल का एक गुप्तचर खबर लाता है कि बड़ा भाई कुंभा काली पहाड़ी के उस पार जंगल में रह रहे हैं। यह जानकर वह छोटा भाई अपने अंगरक्षक और कुछ सिपाहियों के साथ उस कुंभा की ऐसी व्यथा देखने के लिए जाते हैं। नरवीरा अपने बड़े भाई कुंभा की ऐसी व्यथा देखकर बड़ा खुश होता है। एक दिन जंगल में जब वह नरवीरा अपने तंबू में मदिरापान कर रहा होता है, तब कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। लुटेरे सभी को मारकर उस महाराजा को बंदी बना लेते हैं। अंगरक्षक इतने लुटेरों को देखकर अपने महाराजा को बचाने के लिए उनके बड़े भाई कुंभा के पास पहुंचता है। अंगरक्षक बड़े भाई कुंभा को बताता है कि लुटेरों ने आपके छोटे भाई पर हमला कर दिया है और वे खतरे में हैं। यह जानकर बड़ा भाई कुंभा सभी लुटेरों को मारने निकल पड़ता है और हर एक लुटेरे पर अपने तीरों की वर्षा कर देता है। बड़ा भाई कुंभा अपने छोटे भाई नरवीरा की जान बचा लेता है। छोटा भाई नरवीरा अपने महल वापस लौट आता है और महल में अपने अंगरक्षक को मार डालता है। तो बता विक्रम, उस छोटे भाई नरवीरा ने अपने अंगरक्षक को क्यों मार डाला और उसके बड़े भाई कुंभा ने अपने दुश्मन भाई की जान क्यों बचाई? तो सुन बेताल, अंगरक्षक का काम होता है खुद के प्राण त्याग कर भी अपने महाराजा की रक्षा करना, खतरे के समय भाग जाना नहीं। लेकिन इतने सारे लुटेरों को देखकर वह भाग खड़ा हुआ और उस अंगरक्षक की दूसरी गलती यह थी कि उसने महाराजा के बड़े भाई कुंभा से मदद मांगी, जो कि उस महाराजा का सबसे बड़ा दुश्मन था। और बड़े भाई कुंभा ने अपने दुश्मन भाई की जान इसलिए बचाई क्योंकि यह बड़े भाई का धर्म था, जिसके कारण उसे अपने छोटे भाई की जान बचानी पड़ी। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।